सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आज जो टेस्ट में टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं उसकी अच्छे से आप तैयारी करके आए होंगे। तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन तीनों जो इवेंट्स है उसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा पहले हुआ था, फिर बाद में कौन सा हुआ है, तो ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। और आज मैंने काफी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, तो ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छी से तैयारी करके आए होंगे, तो इसका तो आंसर आप लोग को मिल ही चुका होगा। इसका करेक्ट आंसर है 132। इसका करेक्ट आंसर है। ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में। फिर हम लोग को क्रिप्स प्रपोजल देखने को मिला था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से रिलेटेड था ये, 1942 में हुआ था ये इवेंट। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे वो 1946 में हम लोग को देखने को मिला था। तो 132 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फटाक से बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहले स्टेटमेंट को देखें तो बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन मॉडिफाइड वर्जन है हमारे इंडियन प्रीएम्बल का। तो देखो, जिन बच्चों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है वो भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ इसकी मतलब जो मीनिंग जो है वो समझ के, इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझ के। सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्रीएम्बल का मॉडिफाइड वर्जन है, तो ये तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, राइट। तो ये तो ऑटोमेटिकली अगर मीनिंग भी हम लोग इसका देखें, जानने की कोशिश करें, तो ये ऑलरेडी गलत होता है। बट फिर भी इसका जो करेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए। अभी हमने बात करी ना जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे 1946 में, यहां पर हमने बात करी थी, तो वही चीज जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इसको मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया था। हमारे जो एट प्रेजेंट करेंट प्रीएम्बल है ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, तो आप काफी कुछ रिलेट कर पाएंगे हमारे प्रीएम्बल से, राइट। और ये आई होप कि पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में, ये तो काफी बेसिक चीज थी पढ़ने की। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि 9 दिसंबर, ये वाला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकंड में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, हम लोग को देखने को मिले थे, और ये सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फिर बाद में जो इलेक्ट किए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट किए गए थे, आपको पता होगा इसके बारे में। इसके अलावा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट, और इन टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे। तो देखो, एक प्रेसिडेंट थे बट दो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट जो होता है वो गलत हो जाता है। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2 ओनली, क्योंकि दो वाइस प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिले थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, गॉट इट। तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है कि इनिशियल मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उस मीटिंग को किसके द्वारा हेड किया जाता गया था। तो इनिशियल मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके हेड कौन थे, तो ये चीज यहां पर पूछी जा रही है। तो देखो गाइस, इस समय हम लोग को दो हेड्स देखने को मिले थे, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और दूसरे जीवी मवलंकर। अब देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे, बट जब भी कानूनों को बनाने की बात की जाती थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लेजिस्लेचर का रोल प्ले करती थी, तो उस समय जी वी मवलंकर ये हेड हम लोग को देखने को मिलते थे। समझ रहे हो बातों को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बोथ, सी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपको दो स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए संविधानवाद के बारे में। जिनने पढ़ा होगा अच्छे से उनको इसका आंसर मिल चुका होगा। काफी बेसिक चीज पूछी है मैंने कि किसी कंट्री के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही सिर्फ यह साबित नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, राइट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर, उसकी जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लिमिटेशंस करना उसकी पावर पे, और लोगों के राइट्स के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लिमिटेशन रखना लोगों के राइट का। तो ये चीज हम लोग को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की देखने को मिलती है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना वो मैटर नहीं करता, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी बातें मानी जा रही है, किस प्रकार से उस कॉन्स्टिट्यूशन का रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब यानी कि स्ट्रक्चर, कंट्री के स्ट्रक्चर में, तो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाती है, राइट। तो ये बहुत ही ब्रॉड मीनिंग हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का देखने को मिलता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब बात करेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखते हो कितना बड़ा, कितना वास्ट, कितना ह्यूज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका जो एलिफेंटाइन साइज है, इतना
भव्य रूप इसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसकी वजह क्या है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, तो ये चीज यहां पर पूछी जा रही है। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कोर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ऑटोमेटिकली अपने आप में काफी ज्यादा लेंदी था, तो इसलिए ये एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनका लॉ बैकग्राउंड था, राइट, तो ये भी एक दूसरा फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरा फैक्टर, फेडरल कैरेक्टर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यूनियन की लिस्ट भी हम लोग को देखने को मिलती है, स्टेट की भी देखने को मिलती है, यानी कि यूनियन के कानून, राज्यों के कानून, तो ये सब चीजें भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा बताई गई है, तो इसीलिए भी फेडरल कैरेक्टर भी एक फैक्टर है जिसके कारण हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल फैक्टर भी आप मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा अमेंडमेंट का जो फीचर है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट, बट एडॉप्शन फ्रॉम अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बिल्कुल फैक्टर कहीं से कहीं तक ये हम लोग को नहीं देखने को मिलता। अडॉप्ट करना इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर्स ये हैं, ये फैक्टर है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको बताया कि हमारी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है, डायवर्सिटी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, अमेंडमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, तो ये चीज आप और ऐड कर सकते हो उसके अलावा, ठीक है। बाकी फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट की बात करें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस चीज को बनाकर जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि किस चीज को मिलाकर बनती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से बताइए। हाउस ऑफ पीपल, पॉपुलर हाउस, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ एल्डर, जल्दी बताइए। अब जिसको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा के दूसरे नाम, तो उसको भी ये आंसर जो है वो मिल चुका होगा, बट मैंने आप लोग के लिए ऑप्शन जो है वो कुछ अलग टाइप के प्रोवाइड किए हुए हैं, और इसी तरीके की चीजें आप लोग को देखने को। अब जिन बच्चों ने हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हाउस ऑफ एल्डर ये मार्क किया होगा 1, 3 और 4, बट ये देख रहे हैं कि अरे 1, 3 और 4 तो सर लिखना ही भूल गए, ऐसा नहीं है गाइस। हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है उसको पॉपुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो 2, 3, 4 यहां पर है और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार की चीजें कई बार एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगी कि आपको लगेगा अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई है ऑप्शंस में, बट कोई गड़बड़ नहीं है। यहां पर ये वाली चीज भी आप देखो कि पॉपुलर हाउस जो है वो लोकसभा को कहते हैं, और हाउस ऑफ एल्डर आप जानते हैं कि राज्यसभा को कहते हैं, और प्रेसिडेंट, ये तीन चीजों को मिलाकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन तीन चीजों को मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को इस प्रकार से भी पढ़ना है, क्योंकि एक ऑप्शन जो है आप लोग को लगेगा अरे यार ऑप्शन गलत है, कोई गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, बट ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। यहां पर ये वाला ऑप्शन अगर आप जिन लोग को फाइंड आउट कर पाओ तो वो भी इस चीज को जो है वो मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना इसके अलावा, राइट। तो इसीलिए ऐसी चीजें भी आपको फेंकी जाएंगी एग्जामिनेशन में, तो उसकी भी तैयारी अच्छे से रखो। काफी इजी क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का किसको कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर दोनों, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जल्दी से बताइए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको नहीं कहा जाता, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बकायदा लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ ये वाली चीज, और इसके बारे में तो शायद आप लोग जानते होंगे, बट शायद काफी सारे लोगों ने 1, 2 जो है वो मार्क कर दिया हुआ, क्योंकि सोचते होंगे कि अक्सर जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें 1, 2 जो है वो ऑप्शन होता है, नहीं, अक्सर नहीं होता, इसलिए कभी भी ऑप्शन के ऊपर बेस्ड अपना आंसर मार्क मत करो। एग्जैक्टली चीजें पता है तभी मार्क करना, वरना मत करना, नहीं तो फिर बोलो जाओगे, क्योंकि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में किसी भी प्रकार की चीज आपको देखने को मिल सकती है, राइट। अब देखो नेक्स्ट का आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन फिर आंसर लिखना, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहली चीज तो यह पूछी गई है, क्या चीज नहीं है, लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉमिनेशन वाली जो फील्ड होती है हम लोग को देखने को मिलती है। आपको पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो वो कौन से मेंबर जो होते हैं वो किस फील्ड से होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, तो ये नॉमिनेशन की बात की गई है, और इनमें से कौन से नहीं है ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ढंग से दो। तो देखो गाइस, इसमें जो है वो करेक्ट आंसर इज नन, क्योंकि ये पांचों ही ऑप्शन है जिनको, जिनकी फील्ड से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विसेज। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के अंदर ये चौथा ऑप्शन को अगर आप हटा दो, इसके अलावा जो ये चार ऑप्शंस लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस की फील्ड होती है, तो उसमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं इन फील्ड के लोगों को, तो ये चीज भी आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज नन, क्योंकि ये पांचों के अंदर ही, पांचों ही हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेशन के तौर पर इनको चूज किया जाता है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको थोड़ा सा मैंने करंट अफेयर से लिंक करते हुए आप लोग को क्वेश्चन दिया है, तो इसका अच्छे से आंसर देना।
तो देखो गाइस, आर्टिकल 331 जो है उसके अंदर मेंशनड है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 331 के अंदर बिल्कुल ये चीज मेंशनड है। बट एट प्रेजेंट ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो क्लॉज जो था वो अब हट चुका है, और ये हटा है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में इसको लेकर न्यूज आई थी और उसको मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में गलत है, क्योंकि 2026 की ये बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वन, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा करेक्ट पेयर आपको बताना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीजें किस कंट्री से ली गई थी, तो ये भी मैंने आपसे पूछा था पढ़ने के लिए, राइट। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा, फटाफट बताइए। और इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ के रखिएगा, इन सब चीजों को आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं और इवन प्रीलिम्स वगैरह में भी कई बार आ जाती हैं। तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 2, 3, 4, ये चारों ही जो है वो पेयर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और बस ये लास्ट थे गाइस, 10 क्वेश्चन थे, और आपके 10 में से कितने सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर स्कोर लिखकर बताइएगा। और अगर आप पूरी तरह से सिविल सर्विसेज की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार प्रीलिम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये 100 डेज का हमारा क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, राइट। अगर मतलब फुल पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते, क्योंकि फुल पेड ग्रुप के अंदर पूरा स्टडी मटेरियल और सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप 24 घंटे में कभी भी अगर आप डाउट पूछेंगे तो भी आपके डाउट जो है वो यहां पर क्लैरिफाई किए जाते हैं 24 घंटे में। कभी 24 घंटे मतलब आप लिखेंगे अपना क्वेश्चन और हमारे एजुकेटर 24 घंटे आप लोग के लिए जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए खड़े हैं, आपके हर एक डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे रात में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक अलग एजुकेटर का स्लॉट जो है वो रखा हुआ है कि रात में अगर बच्चा कोई भी डाउट पूछे तुरंत उनको रिप्लाई करो, राइट। और हमारी रेपुटेशन आप लोग जानते ही ऑलरेडी कि इस मामले में, कि आपके डाउट सॉल्व करने के मामले में और आपको सर्विस प्रोवाइड कराने के मामले में कितनी अच्छी है, राइट। और ये सब चीजें हम लोग खुद नहीं बोल रहे हैं, कई सारे बच्चों ने बोली है जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज के लिए अलग से भी हमारा जो है वो एक ग्रुप है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए। तो इस चीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी है तो इस टेस्ट सीरीज को शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा और लाइक जरूर हिट करके जाइएगा, ठीक है, अगर अच्छे लगे क्वेश्चंस और इस प्रकार से अगर आप रेगुलरली चाहते हैं तो। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग को जो है वो ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा चैनल, जैसे कि आपको बता चुका हूं, वहां पर थोड़ी देर के अंदर कल के टॉपिक्स में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा कल आपको क्या पढ़ के आना है, ठीक है।